नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ पर। आज हम लाए हैं आपके लिए माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी माता की पौराणिक कथा। माँ कात्यायनी माता की पौराणिक कथा सुनने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी माता की पौराणिक कथा। कात्यायनी माता का मंत्र चंद्रहास उज्ज्वल करा शार्दुल वरवाहना। कात्यायनी शुभ दद्याद देवी दानव घातिनी। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे जो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्व हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। प्रेम से बोलो जय माता दी।